इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट का किसानों को बड़ा तोहफा मिलता हुआ नजर आया है। खरीफ की कई फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई है, वहीं धान, कपास, सूरजमुखी पर एमएसपी को बढ़ाया गया है। तो धान पर 7% बढ़ाई गई है एमएसपी, वहीं कपास पर 8.9% की बढ़ोतरी की गई है एमएसपी में। सूरजमुखी और सोयाबीन पर भी एमएसपी को बढ़ाया गया है, वहीं मूंगफली पर 9% एमएसपी बढ़ाई गई। तो केंद्रीय कैबिनेट का किसानों को यह बड़ा तोहफा मिलता हुआ, खरीफ की कई फसलों पर एमएसपी को बढ़ाया गया है और धान, कपास, सूरजमुखी पर एमएसपी बढ़ाई गई है। धान पर 7% एमएसपी बढ़ी, तो वही कपास पर 8.9% की बढ़ोतरी की गई है एमएसपी में। सूरजमुखी और सोयाबीन पर भी एमएसपी को बढ़ाया गया है और मूंगफली पर 9% एमएसपी बढ़ाई गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए खरीफ की कई फसलों पर एमएसपी को बढ़ाया है और धान, कपास, सूरजमुखी पर एमएसपी बढ़ाई गई है, वही धान पर 7% एमएसपी बढ़ाई गई और कपास पर 8.9% की बढ़ोतरी की गई है एमएसपी में। सूरजमुखी और सोयाबीन पर भी एमएसपी बढ़ाई गई है और मूंगफली पर 9% एमएसपी बढ़ाई गई। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि की गई है, वो वृद्धि अगर हम अलग अलग जो क्रॉप्स देखें उसमें मूंग दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। मूंग में 10.4% वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर एमएसपी निर्धारित की गई है, निर्धारित थी पिछले वर्ष और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए 8,558 रुपए यानी 10.4% की वृद्धि, 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी को सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार से जो ग्राउंडनट है उसमें भी 9% की वृद्धि हुई है और अब 6,357 रुपए ग्राउंडनट की एमएसपी रहेगी। सेसमम सीड जो है, सेसमम में भी 10.3% की वृद्धि की गई है, 8,635 रुपए उसका एमएसपी तय किया गया है। और पैडी जो साधारणतः बड़े मात्रा में उत्पादन होता है, पैडी की एमएसपी में 7% की वृद्धि की गई है। कॉमन ग्रेड में 2,183 रुपए 2,183 प्रति क्विंटल और पैडी ग्रेड ए में 2,203 रुपए प्रति क्विंटल की नए निर्धारित एमएसपी को आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसी प्रकार से ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तुर, अरहर दाल, उड़द, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, निगर सीड, इन सभी में लगभग 6-7% की वृद्धि इस खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए की गई है। और तो केंद्र का किसानों को यह बड़ा तोहफा मिलता हुआ, धान, कपास, सूरजमुखी पर एमएसपी को बढ़ाया गया है, वहीं धान पर 7% एमएसपी बढ़ाई गई है, कपास पर 8.9% एमएसपी बढ़ाई गई है, वहीं सूरजमुखी और सोयाबीन पर भी एमएसपी को बढ़ाया गया है। तो मूंगफली पर भी 9% एमएसपी बढ़ाई गई और केंद्रीय कैबिनेट का किसानों को यह बड़ा तोहफा। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो स्पर्श, कैबिनेट का बड़ा तोहफा किसानों को मिलता हुआ, एमएसपी में इजाफा किया गया है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल, केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और उसके बाद अब से कुछ ही देर पहले
केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो खरीफ की फसलें हैं उस पर MSP बढ़ाने का जो फैसला है वो केंद्र सरकार की तरफ से जो है लिया गया है। कई सारी जो खरीफ की फसलें हैं उनमें 5 से लेकर 10% की जो बढ़ोतरी है वो देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। एक अगर हम जानकारी दें सिलसिलेवार की किस तरीके से जो कितनी इजाफा है वो अलग अलग फसलों में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो जो पैडी है उसका जो रेट 2022 में था 2040 प्रति क्विंटल के हिसाब से, अब उसको बढ़ाकर जो है 2183 रुपये प्रति क्विंटल जो है कर दिया गया है। 143 रुपये प्रति क्विंटल की जो बढ़ोतरी है वो पैडी में जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से बाजरे की बात करते हैं तो 2350 रुपये प्रति क्विंटल 2022 में बाजरा जो है बिकता था, अब उसकी MSP को जो है बढ़ा दिया गया है। 2500 रुपये जो है वो MSP जो है हो गई है, यानी 150 रुपये का सीधे तौर पर बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। रागी की बात करते हैं तो जो रागी है उसमें 3578 से बढ़ाकर जो है 3846 उसको जो है कर दिया गया है। इसी तरीके से मूंग दाल की बात करते हैं तो 7755 से बढ़ाकर 8558 रुपये प्रति क्विंटल जो है मूंग दाल जो है इस वक्त MSP जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। इसी तरीके से जो सनफ्लावर है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसकी MSP जो है वो भी बढ़ती हुई जो है नजर आ रही है। सनफ्लावर सीड की बात करते हैं 6400 से जो है बढ़कर अब जो है 6760 जो है वो जो है प्रति क्विंटल जो है जो सनफ्लावर सीड है उसकी MSP जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी, यानी 300 रुपये की जो बढ़ोतरी है वो सीधे तौर पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तो जो खरीफ की फसलें होती हैं उनमें MSP बढ़ाने का जो फैसला है फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया। हालांकि ये जो है एक तरीके से कहें कि किसान पिछले कई समय से जो है मांग जो है करते हुए नजर आ रहे थे कि MSP में जो बढ़ोतरी है वो जो है कहीं ना कहीं होनी चाहिए, तो ऐसे में अब केंद्र सरकार की तरफ से जब ये बढ़ाने का फैसला लिया गया है तो इस पर किसानों की प्रतिक्रिया किस तरीके से निकल कर सामने आएगी ये महत्वपूर्ण रहेगा। वाकई में स्पष्ट, तो जिस तरह से MSP में बंपर इजाफा किया गया है मोदी कैबिनेट की तरफ से किसानों को ये बड़ा तोहफा मिला है, क्या लगता है कि किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत? देखिए ये एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं सीधे तौर पर किसानों के लिए जो है कही जा सकती है, क्योंकि इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो किसान है वो लगातार ये कह रहे थे कि जो MSP है उसमें जो बढ़ोतरी है वो कहीं ना कहीं जो है इसमें जो बढ़ोतरी है जो MSP में बढ़ोतरी है वो किसानों की जो है सीधे तौर पर होनी चाहिए। तो ऐसे में अब किसानों की जब अलग अलग फसलों में MSP में बढ़ोतरी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है तो उससे ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये राहत भरी खबर जो है वो किसानों के लिए है। और एक आंकड़ा अगर हम समझाने की कोशिश करें कि 2014 से और 2023-24 का जो सीजन चलेगा उसमें कितनी बढ़ोतरी जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अगर बाजरे की बात करते हैं तो 2024 में बाजरे की जो MSP थी वो जो है 1250 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिलती हुई नजर आती थी, लेकिन अब उस MSP की बात करते हैं तो वो अब 2500 के करीब जो है पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो यानी 50% की सीधी बढ़ोतरी जो है वो 82% की सीधी बढ़ोतरी जो है वो 2014 से और अब तक जो है देखने को मिलती नजर आ रही है। इसी तरीके से रागी की बात करते हैं तो 1550 रुपए प्रति क्विंटल जो है 2014-15 में थी, अब जो है वो 3846 रुपए जो है वो जो है इस सीजन में जो है यानी अगला जो सीजन आएगा उसमें प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिलती हुई नजर आएगी। 50% की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिल रही है। मूंग दाल की बात करते हैं तो 4600 रुपए प्रति क्विंटल 2014-15 में था और अब जो है उसमें बढ़ोतरी सीधे तौर पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो 2014 से और अब तक की बात करते हैं तो ज्यादातर फसलों में जो 50% से 80% की बढ़ोतरी है वो अलग अलग फसलों में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। एक लक्ष्य कहीं ना कहीं जो है मोदी सरकार लेकर चल रही थी कि अब आए जो है किसानों की वो दुगनी जो है करती हुई नजर आएगी, तो MSP में जिस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है वो एक कदम इसकी ओर भी जो है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है स्पष्ट, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो MSP में बंपर इजाफा किया गया है मोदी कैबिनेट की तरफ से, किसानों को ये बड़ा तोहफा मिलता हुआ।